गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एजाज अहमद चौधरी ने सरदार लतीफ खोसा से हलफ लिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात कमर जमान कायरा, वफाकी वजीर मियाँ मंजूर अहमद भट्टू, चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल राशिद महमूद, इम्तियाज सफदर वड़ाइज, फौजिया वहाब, परवेज रशीद, डॉक्टर कयूम सोमरू, चौधरी जहीरुद्दीन, अमरीकी कौंसल जनरल कार्मिला कान राय, आई जी पंजाब जावेद इकबाल, चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा, समीउल्ला खान, अहमद रियाज शेख, जमुरत खान, चौधरी मंजूर, अब्दुल कादिर और उस्मान मलिक समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने भी शिरकत की। तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तकरीब हलफ बर्दारी के बाद गवर्नर सीधे दाता दरबार पहुंचे। इस मौके पर उनके बेटे खुर्रम खोसा और पीपल्स लायर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला भी उनके साथ थे। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा ने दरबार पर चादर चढ़ाई, फातह खानी की और दुआ की। कैमरा टीम के साथ रिफत अब्बास, सिटी 42।